ओबीसी बैंक के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर बैंक ने विराट हॉस्पिटल और आस्था लैब के साथ मिलकर विराट हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें रेवाड़ी की ओबीसी बैंक की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी व कर्मचारियों ने रक्तदान किया। ओबीसी बैंक के एजीएम जान मोहम्मद और भिवाड़ी क्लस्टर के चीफ मैनेजर भूपेंद्र सिंह राव ने कहा कि बैंक के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और उनका प्रयास है कि जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाए। आज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की तरफ से डॉक्टर विराट वीर हॉस्पिटल में और आस्था लैब के सहयोग से हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसमें बैंक के ब्रांचों के लगभग सभी कर्मचारी और ऑफिसर्स इसमें शामिल हुए हैं। विगत वर्षों से भी चल रहा है हमारा बैंक का जो 75th फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हमारे बैंक के एमडी और ईडी सर के निर्देशानुसार ये अपना ब्लड डोनेशन कैंप कई सालों से आयोजित किया जा रहा है और सोशल कोर से काम भी किए जाते हैं। मेडिकल चेकअप कैंप भी अभी मंडे को हम लगा रहे हैं वहाँ भिवाड़ी पे, वहाँ भी हमारे जो कस्टमर्स हैं कि कोई भी पब्लिक का आदमी आए तो उसके लिए भी बैंक अपना योगदान देता रहा है बीच बीच में। हम अपने बैंक की तरफ से विराट वीर हॉस्पिटल और आस्था लैब को जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए बैंक को सहयोग किया और बैंक के लिए इस कैंप के लिए आयोजन किया और उसमें पूरी है। वही आस्था लैब से आए डॉक्टर नरेंद्र यादव ने कहा कि जब उन्होंने लैब शुरू की थी तब लोगों में जागरूकता का अभाव था, लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए आगे आते हैं। देखिए, हम जो है हमने ब्लड बैंक यहाँ रेवाड़ी में जो स्थापित किया था वो 2004 में स्थापित किया था। उस वक्त हम लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लोगों से झगड़ना पड़ता था कि आप रक्तदान करें, वो अपने मरीज़ के लिए भी बदले में रक्तदान करना नहीं चाहते। उस वक्त ये स्थिति थी। ऐसी स्थिति है कि लोग स्वयं आगे बढ़ के हमारे ब्लड बैंक में स्वयं वॉलंटरी डोनर्स आते हैं और ब्लड डोनेट करके जाते हैं, तो स्थिति में बहुत बदलाव आया है। जो लोग अपने मरीज़ के लिए ब्लड लेने आते हैं वो तो वॉलेंटरीली अपना ब्लड देना ही चाहते हैं। मतलब हमारे कई बार हमारे पास स्टॉक ज़्यादा होता है, हम मना भी करें तो भी वो तो कहते क्या मैसेज देंगे जो अभी भी कुछ इस तरह से समझते हैं कि ब्लड डोनेट ना करें उसकी वजह से दिक्कत आती है? ब्लड डोनेशन करने से कभी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी स्वस्थ आदमी जो 17 साल से ऊपर है और 65 साल से नीचे है, यानी 17 to 65 ईयर्स के बीच का जो एज ग्रुप है, अगर वो स्वस्थ है तो वो रक्तदान हर 3 महीने में कर सकता है। उसका वजन 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और कुछ फ़ायदे भी होते हैं सर इसके? रक्तदान के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ब्लड ना भी दें तो भी हमारे शरीर की क्रिया ऐसी है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हर 40-42 दिन में 120 दिन में मर जाते हैं, तो दोबारा से फ्रेश ब्लड बनता ही रहता है कंटिन्यूसली। तो अगर हम रक्तदान करते हैं तो और फ्रेश ब्लड बनेगा, तो उससे आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आती है। दूसरा, हार्ट की प्रॉब्लम से बचते हैं रक्तदान करने से। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होते हैं वो रक्तदान करने से उसको डाउन होते हैं, तो हार्ट की प्रॉब्लम से फिर बचाव होता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और मरीज़ को तो फ़ायदे हैं ही रक्तदान से।